असरा नादरी प्रोग्राम जवाब खपे सागन मैं है इम्तियाज मीर जी तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के चैलेंज किया वो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर त यह बदनीयती ते कानून साजी थियल है शायद इनके असेंबली के अंदर यानी कि पार्लिमान के अंदर इनके बहस हेठ ना आंदो वो एक पार्टी के फायदो दियण के लिए ये सब कुछ किया है मुल्क के अंदर महंगाई बेरोजगारी क्राइसिस पेट्रोल जो शॉर्टेज जी तो थी उनकी अफरा तफरी उनखा आडियोज जी अचन था वड़ा अहम तारीख में पे चक्कर इदारा उहम इदारा जिन कर डिस्कस को डिस्कस थन था तनकीद हेठों आन प्रेस कॉन्फ्रेंस जलसन जुलूसन में यह शे थी मुझा टेलीवी लाइन से आए मोहतरम जनाब खीलदास कोहिस्तानी साहब पी एम एल एन जम एन एन वेलकम चुंता प्रोग्राम में वीडियो वीडियो जी तो वीडियो टेप्स तडियो टेप्स तमू आन आडियो टेप्स से पूरी कहानी है जी तो काफ़ी मानू एक्सपोज भी थे मरियम नवाज साहिबा पा तस्लीम किया मुझी आडियो हुई हर शे तस्लीम उनते हुकूमत जो आडो रिएक्ट किया तो लगे साकिम निसार साहब की जो शे आई तो गवर्नमेंट छो परेशान है पीएम तरीकन साहब जी इम्तियाज मीर साहब गवर्नमेंट जैस तीन तुम परेशानी की गाल कही वो कल तो वाजे थी वही जो वजीर आजम मुल्क जो जेमल खिताब करे पो उनकी तकीर जो मेहवर नवाज शरीफ साहब ए मरियम नवाज साहबा हुई उन आडियो जो साकिब निसार जो आडियो है उनके ड्रामो करार दिनों वजीर आजम एक ड्रामे के चाहे तो जो कुर्सी से वो वेठो उन ड्रामे के सजो कौम के सामू निर्वहार कर इनमें कड़ा हकायक आन या ना एक साफ ही नूरानी साहब की स्टोरी है उनके वजीर आजम पैं एग्जीक्यूटिव आदर से पावर से सब कुछ करे सके दो। पर जाहिर यह परेशानी जी तुम जिक्र किया परेशानी इन शे की है सजे मामले जो बेनिफिशरी साकिब निसार के अमल जो ये इमरान खान इन की हुकूमत है तो जाहिर हाँ वो साकिब निसार साहब चुप है हुकूमत उनके यो इंश्योर किया असके कड़े तरीके से मामले के पैर उन मीडिया के दबाने की कोशिश कई तो कल का तुम दिखो तो मरियम नवाज साहबा जो तो मुझी आडियो है बिल्कुल मरियम नवाज साहबा बहादुरी से सच उनकी इजहार किया पब्लिक में पर गाल अज की ना बस साल चार साल की ना गाल इलेक्शन जैसे हुए उन वक्त पार्टी जो मर्जी होंगी कड़े भी चैनल के पैंजी इश्तिहारी मोम जो हिस्सों बनाए जी तो इम्तियाज मीर साहब ही इमरान खान उनकी हुकूमत अवाम जो ध्यान जो सो असल हक का हटाने के करे ये प्रोपेगेंडा पे करे इनको हुकूमती इश्तिहार से को ताल्लुक ना ही पंजी पार्टी मैम की इश्तिहार हुआ जैसे उन आदत दिनों या वह गाल की वो लीडरशिप की मर्जी है कड़ी हुकूमत कड़े चैनल के पैंजी रेटिंग समझी इश्तिहार दियन था रही गाल साकिब निसार दिसो यो नूरानी साहब की जी स्टोरी है एकड़ो मामलो ना है इन का पैं सिटिंग चीफ जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब जो जी तकरीर हुई वो खुद असा उनके मरियम नवाज साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जी अपील है उनको भी उन हिस्सों बनाया उनका तुम दिखो तो जज अरशद मलिक साहब जो वीडियो से एतराफ किया बशीर मेमन साहब जो तमाम ईमानदार ऑफिसर है उनकी साख है सबक डीजी एफ आई ए रो उनको बयान भी तुम सामू है उनका शमीम राणा शमीम साहब वो भी जज रो जी बी जो उनको जो उन जमा करायो है कोर्ट बयान वो समझा तो ये एक सबूत ना ये कि वही साजिश हुई जो चूंडियल हुकूमत चूंडियल वजीर आजम हटाने की इलेक्शन में इमरान खान के आने की सो इन साजिश के कड़े नमूने वो उनका किरदार कड़े वो सब सामू अचन पा एक एक हाँ गाल सजी सुप्रीम कोर्ट के बार से सुप्रीम कोर्ट से है तो वो उनके एडो वो इदारो है जिसे हाँ पब्लिक ही हर मानू ये गाल करे पो तो उनको नवाज शरीफ साहब जो केस है जी माजी में भुट्टो शहीद जो केस हो उनके मानू आवाज उथारन पा तो उनके उनके सिटिंग जज खुद जवाब देने के बजाय खुद उनके वो ये चवे तो सुप्रीम कोर्ट में चढ़ो या जो सुप्रीम कोर्ट में वहां तो मुख्य ये बुधा वे साकिब निसार साहब के तरफा तो वजीर आजम नवाज शरीफ साहब उनकी पार्टी उनका बावी करोड़ अवाम सुप्रीम कोर्ट में कें भी केस में पेश थियन था या कोई इल्जाम लगे तो वो सब चढ़िया तो मतलब ये इदारे की बेतौकीरी करे तो इनके भरोसा ना है इदारे से
जै अल्लाह साई उनके इज्जत दई उन कुर्सी से विहारो उन पेश थे कानून में सब बराबर है वो भी एक किस्म जो ओतरो ही उनते भी जिम्मेवारी थे जी बी के शहरी के थे थी तो आं समझा तो ये इदारे की साख जो मसलो है इदारे के वकार जो मसलो है इहा गाल हाने वक्त वक्त अची वो तो एक पास थियण खपे जो बेगुनाही असी जो गाल क्यों था बिल्कुल उनमें साबित थे थी जे भी सबूत आन ये काफ़ी आन जी गाल कन था शौकत सिद्दीकी साहब भी हयात है डीजी एफ आई ए बशीर मेमन साहब भी हयात है राना शमीम साहब भी हयात है तो सुप्रीम कोर्ट में मौको है तमाम बेहतरीन मौको है जिन सभी के बुधो वे इन केस की जो नवाज शरीफ साहब की जी ज्यादती नानसाफी कई वही जो आ समझा तो ये सिर्फ नवाज शरीफ उनकी फैमिली उनकी पार्टी से न पर इन मुल्क से ज्यादती कई हुई नानसाफी कई हुई अज जो आवाम जो पेट्रोल ला खंड ला अटे ला दरबदर है तड़पी रो है लाइन में लगल है महंगाई जो बोझ है ये सब इन फैसलों के इन इन एक शख्स के फैसले आनण के कर सजो मेलो रचाया वो तो ये जो कुछ मुल्क सफर करे पो उन सभी जिम्मेवार जिम्मेवार हाँ कौम के अगर अचण पवो सही सर जी तो वे तो इन ऑडियो टेप्स के पोयों जो नून लीग है नून लीग या सब कुछ कई आ नून लीग से साजिश थी करे नून लीग पे भी इदारन ते हमला क्या है ने सुप्रीम कोर्ट ते यो गवर्नमेंट जो मौकफ आ चंद दिसो इंतजाज मीर साहब नूरानी साहब की स्टोरी है आज उनकी घरवारी खुद जर्नलिस्ट है उनके लाहौर में कल हमलो थो है उनके थ्रेट दिनों वो है कें जिता उन फ्रांसिक अमेरिकी कंपनी कराया है उनके ट्यूटर से तुम वनो उनके थ्रेट दिनों पे वे पाकिस्तान में असल सिसिलियन माफिया इमरान खान है असल सिसिलियन माफिया पीटीआई की हुकूमत है असल सिसिलियन माफिया ही जे असा चवंदा ना इश्तहार हिसाब पांजा साढ़ा टे साल जो हिसाब दियन तो कड़न सेक्शन केड़न इदार के सहाफी के बेरोज इश्तहार दिना कड़न सहाफी मोतबर नाले वाला सहाफी उनके बेरोजगार किया उनके सच गलण वाले के उनको आवाज के बंद किया असल सिसिलियन माफिया ही है कंखे गोली हणी वही है कंखे नौकरी में कटो वो कंखे तशद्दुद किया वो कंखे अगवा किया वो तो हि सिसिलियन माफिया ना है असाजे दौर में 126 दिन धरणो दिनों आयो एक मिंट ला के चैनल के यो चैनल को एआरवाई या समा बुधाए तो पीएमएलएन की गवर्नमेंट के प्रेशर विझो तो तां धरणे जे जो 500 या 400 क्वेश्चन के 5000 करे न देखारियो या इन जी नशरियात बंद कयो इनन नवाज शरीफ जो आवाज बंद कयो मीडिया से इनन मरियम नवाज जो आवाज बंद कयो मीडिया से इनन मौलाना फजल रहमान जो आवाज बंद कयो इनन मोतबर साहसन जो आवाज बंद कयो इनन पाकिस्तान की आवाम जो आवाज बंद कयो इनन इंसानी हकन की तंजीमन जो आवाज बंद कयो इन वकीलन जो आवाज बंद कयो असल तो सिसिलियन माफिया ही है असा हर असा टिन नसलन जो असा हिसाब दिनो है हाने भी जो अगर असा ते को असानी गवर्नमेंट जो पास में कोड़ो होंदो हुकूमत इख्तियार है हुकूमत कुर्सी है हुकूमत पावर है इदारा है जो करण चाहिंदा भले कन असा तो हिसाब अगे इन इंतकाम भोग हाने भी भोगींदी खीलदास साहब जी तो सरबराही इजलास भी थो पीडीएम जो मौलाना फजल रहमान तो हाँ एतरे ती आए तो सरबराही छड़न भी पीडीएम के लिए तैयार है छे करे पीडीएम के अंदर अजा ती हतमी फैसलो को न थी सको है तहरीक तेज थे लॉन्ग मार्च थे सब कुछ है नून लीग न थी चाहे नून लीग इन खां जेको आ बुढ़ तर जो शिकार है इन ते छा चवंदो साईं पीडीएम या जेके भी फैसला और सरबराही इजलास में जेके ये बाजोक जरियन का जेके का खबरों आए ना उन्होंने जी का सदा इदारे जरियन जो खबरों आए जरियन पर जेके असल हकायक हुई मौलाना फजल रहमान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कई असांजी समूरी जेके पार्टियों उन्होंने ये मौको दिनो हुए तो तुम पैंती सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में लॉन्ग मार्च इस्तीफाओं या जी जितोजित अगर है उन मुतल जी भी शूं फाइनल थी तुम फैसलो आखिरी जो 6 दिसंबर छह दिसंबर से पीडीएम पैं फैसलो बुझाइंदी तो उनको अगर टारगेट चाहे जी एहतजाज हुआ वह जलसा या मुजाहरा वो खत्म थे हाँ 6 दिसंबर से नो जो सो प्लैन जो सो पीडीएम की लीडरशिप की अड़ी का भी गाल ना न को पीडीएम के जरूर पीपल्स पार्टी के छड़न मतलब
पीडीएम जो हुकूमत पीपल्स पार्टी को जो कुछ किया नुकसान जरूर इतिहाद के थो पर इतिहाद बरकरार है इतिहाद की ऐसो ना ये जिदोजहद पीडीएम की ये तहरीक है ये तहरीक एक कें आशीर्वाद से ना जी पास में तहरीकू रही हिड़ी डेमोक्रेसी ला है सिविल बालादस्ती ला है हिड़ी जारी उनमें तकलीफों उनमें दुखियाई उनमें ये मामला जरूर आया पर पीडीएम पैंजे जो सो बरकरार है पीडीएम पैंजो फैसलो कंदी जो समझा तो फैसला कौन फैसलो जो आखिरी जो फैसलो है वो जरूर थो हुकूमत के अस गड़बड़ो जरूर कंदे वही मेहरबानी मोहतरम जनाब खीलदास कोहिस्तानी साहब पीएमएलए जायमेन सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान उन पो मौकफ़ दिनों पार्टी जो मौकफ़ दिनों और अस चाहूँ था त इन जरूर साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस साहब के उत पेश थे इन तहकीकत जी तो पाकिस्तान बार काउंसिल भी यो है इन कमीशन ठहन खपे अजकल आडियो खेली रहा है ऑपोजिशन पीडीएम कमजोर थी चुकी है जैसे का पीपल्स पार्टी निकली पर पीडीएम अना तो हम लड़ी सी कदें उ लॉन्ग मार्च कंदा उन स्पीड वाइंदा इस्लामाबाद की तरफ तहरीक के जोर वाइंदा ब्रेक जो टाइम थो ब्रेक का डिस्कशन।